इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर जहां एक और कल प्रतिनिधि और रहवासी विरोध कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट कल्चर के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ताजे मामले में बीती रात को दूसरे जोन के अधिकारी ने सर्कल में कार्यवाही को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र में बीती रात को संचालित हो रहे मिस्टर स्कल नामक पब पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दरअसल ये पूरी कार्रवाई एसीपी विजयनगर द्वारा की गई है, जबकि कनाड़िया थाना क्षेत्र अन्य एक अधिकारी के अधीन आता है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर में पुलिस की सख्ती के कारण जो पब और बार है वह समय पर बंद हो जाते हैं, लेकिन बाईपास क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मिस्टर स्कल तब संचालित हो रहा था जहां पर देर रात तक युवाओं को नशाखोरी कराई जा रही थी, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन क्षेत्रीय थाने की पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं डीसीपी का कहना है कि जांच कराई जाएगी, यदि जो भी दोषी अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कनाड़िया थाना क्षेत्र में कल देर रात एक मिस्टर स्कल करके एक पब है, जहां पर समय अवधि के बाद भी शराब पिलाई जा रही थी और सेवन किया जा रहा था। इस पर से सूचना मिलने पर टीम को रवाना किया गया, वहां पर दबिश देकर के कार्रवाई करी गई, जिसमें वहाँ पर लोग ऐसा पाए गए जिनके खिलाफ में एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कई तरह की लापरवाही सामने आई थाना क्षेत्र के, जिस थाना क्षेत्र में ये पब संचालित हो रहा था वहाँ के थाना प्रभारी को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। अभी इस मामले में इसकी जाँच की जा रही है कि इसमें किन किन की संलिप्तता है, अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो ज़रूर उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग पाए गए थे पब में नशाखोरी करते हुए? लगभग 100 लोग संख्या में थे जो वहां पर उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।